सन 1954 में सैन डियागो नाम की एक प्लेन जर्मनी से ब्राजील की तरफ उड़ी थी और उसके बाद वो कभी लैंड ही नहीं हो पाई। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद उस केस के ऊपर कई सारे इन्वेस्टिगेशन किए गए जिसका कोई कंक्लूजन नहीं मिला, जिसके वजह से उस केस को बंद करना पड़ा। उसके बाद सैन डियागो नाम की एक भी प्लेन बनना बंद हो गई। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बहुत ही भयानक था। उसके 35 साल बाद सन 1989 में जर्मनी के एक एयरपोर्ट पे सैन डियागो नाम की एक प्लेन लैंड हुई। वहाँ की ऑथोरिटीज ने उस प्लेन के पायलट से बात करने की कोशिश की, लेकिन पायलट से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। तो उन लोगों ने सोचा कि वो प्लेन के अंदर जाके दिखेंगे। जैसे ही उन लोगों ने प्लेन का दरवाजा खोला तो उनके रोंगटे खड़े हो गए थे। उन्होंने देखा कि वहाँ के सभी पैसेंजर्स कंकाल बन चुके थे, उनका सीट बेल्ट भी लगाया हुआ था। फिर वो कॉकपिट पे गए और देखा कि वहाँ के पायलट भी कंकाल बन चुके थे। अब सवाल ये आता है कि अगर पायलट भी कंकाल बन चुके थे तो वो प्लेन लैंड किसने किया था? इसका जवाब आज भी किसी के पास नहीं है।